We believe on trust, accountability, and the trustworthy. So, finally, I'm present at the prime location of Barrier Town, Karachi, where we are going to occupy our project Sultanat. तो सल्तनत के हवाले से मैं बात करता चलूं, जस्ट अपोजिट हेड ऑफिस बैरिया टाउन कराची और मिडवे ए और बी के दरमियान में ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। साथ ही इसके गोल्ड सिनेमा, गोल्ड सनी गोल्ड सिनेमा जो है वो बनाया जा रहा है और साथ में इसके फाइव स्टार होटल्स का भी हमने सुनने में आ रहा है कि यहाँ बनाया जाएगा। इसके साथ ही हमारा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है सल्तनत जिसकी आज से 6 महीने पहले रिजर्वेशन की थी। ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह 80% सोल्ड आउट हो चुका है और डिगिंग के प्रोसेस के ऊपर जा रहा है। इंशाल्लाह हमने जो अपने क्लाइंट्स के साथ कमिटमेंट की थी वो टाइमली इंशाल्लाह इनको हैंडओवर कर देंगे। इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती को मैं बताता चलूं कि इसकी खूबसूरती ये है कि इसके सामने जो पहाड़ी है वो आपको मैं अपनी वीडियो में दिखाता चलूं कि इस पहाड़ी पे को इसलिए डिजाइन किया गया जैसे होटल्स के अंदर जब आप एंट्रेंस के ऊपर जब आप आते हैं तो उस एंट्रेंस के ऊपर आपको एक आबशार नुमा चीजें आपको मिलती हैं। तो हमने इसको पहाड़ी को इंशाल्लाह इस लेवल पे लेकर जाना है जो इसको हम इस तरह डेकोरेट करेंगे जिस तरह आपको एक आबशार का व्यू आता है। और होटल सर्विस अपार्टमेंट के हवाले से जो सल्तनत की एंट्रेंस है उसको बड़ा खूबसूरत अंदाज के अंदर वो डिफरेंस तरीके से हम इसको बनाने जा रहे हैं। बिकॉज इट्स अ यूनिक प्रोजेक्ट ऑफ बैरिया टाउन कराची। कॉन्सेप्ट नया है, नाम नया है, पहचान नहीं है, एलिवेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। इसके अंदर ग्राउंड प्लस 12 का अप्रूवल दिया गया, 168 नंबर इसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं जो कि हमने सारे के सारे फ्लोर प्लानिंग के मुताबिक सारे के सारे अपार्टमेंट आउटर व्यू पे रखे हैं। इसकी जो एंट्रेंस की फेसिंग है वो है वेस्ट ओपन, जस्ट अपोजिट बैरिया टाउन कराची हेड ऑफिस। और इसके बैक साइड पे है आपका थीम पार्क। जितने अपार्टमेंट्स है सारे के सारे आउटर हैं। जो भी आप अपने बेडरूम की बालकनी पे खड़े होते हैं तो आपको बाहर का व्यू नजर आता है। तो फ्रंट में आपके हेड ऑफिस है, बैक साइड पे थीम पार्क कमर्शियल है। इसके फ्लोर प्लान पे हमने 14 अपार्टमेंट बनाए हैं जिसमें 10 वन बेड है, दो टू बेड है, दो थ्री बेड्स हैं। और इसी बिल्डिंग्स के अंदर 4 एमिनिटीज हमने दे दी हैं। इसकी जो बेसमेंट है, बेसमेंट के एलेबोलिंग का कॉन्सेप्ट दिया है, किड्स प्लेइंग एरिया है, वुमन जिम, वुमन सैलून, इसके अलावा स्पा का कॉन्सेप्ट बैरिया की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम प्रोग्रेसिव ने मुतारिफ करवाया है कि स्पा का कॉन्सेप्ट दिया जाएगा इसकी बेसमेंट के अंदर। और बैरिया की शॉपिंग गैलरी को कॉपी करते हुए प्रोग्रेसिव ने इस प्रोजेक्ट के अंदर शॉपिंग गैलरी इस तरह बनाई है कि हम अपना बिजनेस हम आपको खुद बताएंगे किस लेवल का बिजनेस होगा, जिसकी कमर्शियल 15 शॉप है और साथ में बड़ा कैश एंड कैरी का मार्ट है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमने फूड कोर्ट बनाया है, कॉफी प्लेनेट है, कम्युनिटी सिनेमा है, कम्युनिटी हॉल है, मिनी सिनेमा है। इस फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम ये 4-5 चीजें बनाकर दे रहे हैं और साथ ही इसके रूफ टॉप पे स्विमिंग पूल, जकूजी, किचन, रेस्टोरेंट और सिटिंग एरिया बनाया है। मतलब इसमें रहने वाले जो बंदे होंगे उनको अगर किसी भी मामला में कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, तमाम की तमाम चीजें इसी बिल्डिंग के अंदर मुयसर होंगी। वो इस बिल्डिंग को इंजॉय भी कर सकते हैं, साथ साथ रहने के साथ अपना बिजनेस भी जनरेट कर सकते हैं जिसपे हमने होटल सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। होटल सर्विस अपार्टमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें हमने जो इंट्रोड्यूस करवाया वो दुबई की पॉलिसीज के मुताबिक, जिस तरह आप जिसका एलिवेशन हमने बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया है। तो इसके अंदर दो पोर्शंस डिस्क्राइब किए हैं, एक पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, दूसरे भी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं, लेकिन जो दूसरे अपार्टमेंट्स हैं उसके ऊपर आपको मंथली इनकम जनरेट होगी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट। उसमें हमने 24 अपार्टमेंट से 12 थ्री बेड अपार्टमेंट्स हैं, 12 वन बेड अपार्टमेंट्स जिसको हमने मुख्तस किया है रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल अपार्टमेंट्स, जो कि डेली बेसिस पे जितनी भी इनकम उसमें जनरेट होगी मंथली बेसिस पे वो कन्वर्ट हो जाएगी। वो अमाउंट आपकी दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक एंड यूजर जो इसका ओनर है उसको हिस्से में जाएगी, एक कंपनी अपने पास रखेगी, क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी होगी फूड क्लीनिंग से लेकर तमाम लवाजमात को मैनेज करना, प्रोग्रेसिव कंपनी का ही इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और क्लाइंट हमारे साथ एज अ साइलेंट पार्टनर होगा, साल की वो 12 नाइट्स अवेलेबल उसके लिए मौजूद हैं, वो 12 नाइट्स अवेल कर सकता है किसी वक्त भी साल के अंदर। बाकी तमाम के तमाम डेज जो हैं इसके जो भी अपार्टमेंट्स के ऊपर इनकम जनरेट होगी वो उससे मुस्तफीद होगा। तो इंशाल्लाह मजीद मालूमात जानने के लिए आप मेरे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे किसी वक्त भी राब्ता कर सकते हैं। इसरार अहमद लाखो, डायरेक्टर सीजन मार्केटिंग, प्रोग्रेसिव रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। थैंक यू।